हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई के समंदर में एक जहाज फंसा हुआ है। इसका नाम कॉल कंस्ट्रक्टर शिप है। 16 से 17 मई को आए टावटे तूफान में फंसने की वजह से ही शिप को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इस शिप पर 137 लोग मौजूद थे, जिन्हें समय रहते कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित निकाल लिया। तूफान की वजह से शिप का कंट्रोल सिस्टम तबाह हो चुका है और जिस समय तूफान आया समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। 160 से 185 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा था। शिप रायगढ़ के अलीबाग में था, लेकिन तेज लहरों के साथ बहकर पालघर के करीब आ चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे इस शिप से डीजल का रिसाव शुरू हो गया है और समंदर में डीजल फैलने लगा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजीव सिंह ने इस शिप से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। टावटे तूफान की चपेट में आए किसी भी जहाज पर पहली बार कैमरा पहुंचा है। राजीव सिंह ने जहाज पर जो तबाही की तस्वीरें देखी हैरान करने वाली है। इंडिया टीवी पहुंचा है गाल कंस्ट्रक्टर के डेक पर इस वक्त, और ये गाल कंस्ट्रक्टर जो है चक्रवाती तूफान में फंस गया था, जिसके बाद में तूफान में फंसने के बाद में ये मुंबई से सटे पालघर जिले में कोस्टल इलाके से लगभग 1000 मीटर दूर समंदर में आकर रुका हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से तोकते तूफान का असर क्या हुआ था। आपको सबसे पहले इस तूफान की तबाही किस तरह थी उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, इस गाल कंस्ट्रक्टर पर जितनी भी सामग्री थी वो तमाम सामग्री जो है वो बिखर गई है। जो बड़े बड़े ड्रम रखे थे, क्रेन रखे गए थे, तमाम दूसरी सामग्रियां थी। यहां पर देखिए, एक क्रेन जो इस गाल कंस्ट्रक्टर पर लगा हुआ है वो भी दूसरी दिशा में झुक गया है। तमाम सामग्री जो पड़ी हुई थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यानी कि तोकते तूफान ने पूरी तरह से इस गाल कंस्ट्रक्टर को अपनी चपेट में ले लिया था। और ये गाल कंस्ट्रक्टर एक टग में था और वो टग जो है वरप्रदा थी, लेकिन तूफान का असर इतनी ज्यादा था कि वरप्रदा जो टग था वो अलग दिशा में चला गया और ये टग जो है ये गाल कंस्ट्रक्टर अलग दिशा में बहकर आ गया। और यहाँ आने के बाद में पालघर जिले में यहाँ पर आप देखिए किसकी स्थिति क्या हुई है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आगे की तरफ आइए। हमारे कैमरामैन के जरिए आपसे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो सामग्री पड़ी हुई थी उसकी क्या स्थिति हुई है। बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए हैं, बॉक्स पड़े हुए हैं, लाइफ जैकेट का बॉक्स देखिए वो भी नीचे आकर गिर पड़ा है। गाल कंस्ट्रक्टर शिप से जो डीजल लीकेज हो रहा है उससे समंदर पर क्या असर पड़ रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी पर। आप देखिए ये जो गाल कंस्ट्रक्टर शिप है इसके चारों तरफ जो है एक पैड लगाया गया है। आप देखिए रेड कलर का पैड आपको दिखाई देगा और इसके जरिए इस ऑयल को यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके बड़ी बड़ी समंदर की लहरें आती हैं, उफान मारती हैं, इस शिप से टकराती हैं और उसके बाद में ये ऑयल कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे समंदर में चारों तरफ से। लेकिन यहां पर आप देखिए इसको रोकने की एक कवायद जरूर की गई है। इस ऑयल को अगर स्प्रेड होने से रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो इसका असर समुद्री जीव जंतु जो हैं, खास तौर पर जो मछलियां हैं और जो फिशरमैन हैं जो मछली व्यवसाय करते हैं उनके ऊपर पड़ेगा। हमारे साथ में यहां पर एक स्थानीय फिशरमैन भी है जो कि खुद गाल कंस्ट्रक्टर पर आए हुए हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर मच्छीमारी का कारोबार करते हैं, ये जो डीजल लीकेज हो रहा है इससे कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? इसका डीजल जो है लीक हो रहा है, इससे हमको मच्छरों को बहुत तकलीफ हो रही है। ताकि अभी तो बोट का सीजन भी बंद हो गए है, अभी हमारा उधर नहीं हो रहा है। अब सभी वो सब मच्छी के ऊपर ही है और मच्छी खत्म हो गई तो हमारा उधर निवार भी कम हो जाएगा। इसलिए उनका हमको हमारी प्रशासन से ये विनती है कि जल्दी से जल्दी से ये ऑयल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं और इसी कंट्रोल रूम के जरिए इस शिप को ऑपरेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठप पड़ा है। नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको लाइफ जैकेट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक सारी सामग्री ऐसी ही बिखरी हुई दिखाई देगी। और दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दूसरी तरफ की तस्वीर। यहाँ पर देखिए आपको कुछ वॉकी टॉकी भी रखे हुए नजर आएंगे। जाहिर बात है कि जिस तरह से तूफान में ये गाल कंस्ट्रक्टर फंसा उसके बाद इसका पूरा ऑपरेशनल जो सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप हो गया, जिस वजह से इसके अंदर जो लोग मौजूद थे, जो
लोग इसको हैंडल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं संपर्क के बाहर निकल गए थे, लेकिन समय रहते कोस्ट गार्ड से उनकी बात हुई और उसके बाद में उन्हें मदद में मिली। यहां पर देखिए यहां की तस्वीरें, आपको हर एक चीज यहां पर तितर बितर आपको दिखाई देगी, हर चीज यहां पर जो है अस्त व्यस्त स्थिति में नजर आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर तूफान ने किस तरह से तबाही मचाई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। गाल कंस्ट्रक्टर शिप जो कि अरब सागर में मुंबई से सटे पालघर जिले में यहां पर लगभग समंदर में 1000 मीटर अंदर आकर फंसी हुई है। यहां पर आप देखिए ये बोर्ड रूम है और इस बोर्ड रूम के अंदर की तस्वीर तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। सबसे पहले टेबल पर देखिए, टेबल पर तमाम खाद्य सामग्री पड़ी हुई है, वॉकी टॉकी पड़ा है, जूस पड़ा हुआ है, लेकिन ये तमाम चीजें छितर वितर यहां पर फैली हुई है। और नीचे देखिए जो स्टाफ यहां पर था उनके तमाम कपड़े, तमाम बैग और फ्रूट्स, तमाम चीजें यहां पर ऐसे ही बिखरी हुई है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टाफ यहां पर था वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। और जब कोस्ट गार्ड की टीम यहां पर पहुंची थी तो उन्होंने अपनी तमाम चीजों को भी यहां पर छोड़ दिया, अपनी जिंदगी सबसे पहले बचाई। ये सामग्री जो आप नीचे देख रहे हैं, आप देखिए बैग में किस तरह से सामान पड़े हुए हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।